Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 3 in your civics book, that is electoral politics, right? जिसपे हम study कर रहे हैं कि democracy में elections की क्या importance है और elections को हम democratic कब और कैसे कहते हैं और India में जो elections होते हैं क्या हम उनको जो है democratic इलेक्शंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इन सब चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर में, ठीक है। तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो एससी एसटी के लिए रिजर्व होती हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विमेन के लिए रिजर्व रहती हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वोटर्स लिस्ट को, पेज नंबर है आपका 62, वोटर्स लिस्ट। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, एक बार जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो जाती हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कैसे डिसाइड होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि क्या करते हैं हम, इक्वल पॉपुलेशन के एरियाज को जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पूरे राज्य को हम सिटी के अकॉर्डिंग या उस वहाँ पे जितने गांव या शहर उसके अकॉर्डिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग जो है हम वहाँ पे सीट अलॉट करते हैं। जैसे एक एरिया में मान लो 200,000 लोग हैं, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी, अगले 200,000 लोगों की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर और 200,000 लोगों की तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब लगभग बराबर पॉपुलेशन वाले एरियाज़ को हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। तो एक बार जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो जाती हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी वन टिल द लास्ट डे, इस डिसीजन को सिर्फ लास्ट दिन पे किसी के ऊपर भी छोड़ा नहीं जा सकता है। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। देखो, जो लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, ऐसी लिस्ट को इलेक्शन से बहुत पहले ही बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब इलेक्शन होंगे तभी वो लिस्ट बनेगी, इलेक्शन से बहुत पहले ये लिस्ट जो है एलिजिबल वोटर्स की, कि जो लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट जो है बना दी जाती है एंड गिवन टू एवरीवन, और सबको दे भी दी जाती है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल, ऑफिशियली इस लिस्ट को हम बोलते हैं इलेक्टोरल रोल, एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट, और आम भाषा में हम इसको वोटर्स लिस्ट बोलते हैं, वोट इलेक्टोरल रोल बोलते हैं ऑफिशियली, और आम भाषा में हम इसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज़ लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि हमारी जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के कंडीशन के लिए जो है पहला स्टेप है। एवरी वन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, सभी के पास जो है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, ठीक है। यही तो हमारी डेमोक्रेसी कहती है ना, कि हम किसी के भी जो है हम किसी को भी डिबेट नहीं करेंगे उसके राइट से, सभी के पास इक्वल राइट होगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये वोटर लिस्ट जो है हेल्प करती है ये इंश्योर करने में कि सभी को हमने जो है वोटिंग का राइट दिया है। इन चैप्टर वन वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। चैप्टर वन में हमने जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा था। क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि जितने भी लोग एडल्ट हैं उन सब के पास वोटिंग राइट होगा, चाहे वो मेल है फीमेल है अमीर है गरीब है, किसी भी कास्ट को किसी भी रिलीजन को मानते हैं। अगर वो इंडिया में रहने वाले हैं तो इंडिया में क्या एज है, 18 ईयर्स है, तो अगर वो 18 ईयर्स एंड अबव है तो उनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि हर एक इंसान के पास एक वोट है और हर एक वोट की वैल्यू सेम है, इक्वल है, ठीक है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन, किसी भी पर्सन को जो है वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई बहुत बड़ा कारण ना हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, या मतलब कानून ने कोर्ट ने उसको जो है वोट देने से मना किया, जब तक कोई बहुत बड़ा आधार ना हो जब तब तक हम किसी भी व्यक्ति को जो है वोट देने से वंचित नहीं रख सकते हैं।
डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज. अलग अलग सिटीजन्स एक दूसरे से हर चीज में जो है अलग अलग हो सकते हैं. सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर हाईली एडुकेटेड, सम आर नॉट सो एडुकेटेड और नॉट एडुकेटेड एट ऑल, सम आर काइंड, अदर्स आर नॉट सो काइंड. देखो कुछ लोग जो हैं अमीर हो सकते हैं, कुछ गरीब हो सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे, या फिर कुछ अनपढ़ भी हो सकते हैं. कुछ जो है काइंड दयालु हो सकते हैं, दूसरे जो है दयालु नहीं हो सकते हैं. बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज. लेकिन ये सब क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं और इनकी सबकी अपने अपने व्यूज हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. इसलिए इन सबको हक है कि जो भी डिसीजन उनको अफेक्ट करते हैं उनको उनके खिलाफ बोलने का इनके पास अधिकार है. उनके खिलाफ बोलने का इनके पास अधिकार कैसे है, वोट देकर. अगर इनको जो है इनके पास भी तो अधिकार है ना, जो लोग इन्हें गवर्न कर रहे हैं, जो लोग सरकार बना के इनके ऊपर रूल कर रहे हैं, उनको चुनने का, उनको हटाने का सबका अधिकार इनके पास होना चाहिए. इन आर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज 18 years and above can vote in an election. हमारे देश में, भारत में क्या है, 18 साल और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का समान अधिकार है. Every citizen has the right to vote regardless of his और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. हर एक नागरिक को भारत में वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी जेंडर का है. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड, कुछ क्रिमिनल्स हो गए या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, दिमाग में कुछ उनके दिक्कत है, पागल हैं, मतलब अनसाउंड माइंड है उनका, तो ऐसे लोग क्रिमिनल्स हो गए, वो बी डिनाइड द राइट टू वोट. ऐसे लोगों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं हो सकता है, मतलब मना किया जा सकता है कि हाँ इनके पास वो दिमाग ही नहीं है, ये क्रिमिनल है. तो इन ऐसे लोगों को जो है लॉ कह सकता है कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा. बट ओनली इन रेयर सिचुएशन, लेकिन ऐसा भी बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट. ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, ठीक है, क्रिमिनल नहीं है, अनसाउंड माइंड के नहीं है, मतलब लॉ ने जिनको इन एलिजिबल नहीं ठहराया, तो वो बाकी सारे कौन हो गए, एलिजिबल हो गए वोट देने के लिए. तो जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनकी लिस्ट, उनका नाम इस वोटर लिस्ट में होना चाहिए. ये जिम्मेदारी सरकार की होती है. एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट. जैसे जैसे और लोग जो है वोटिंग की एज में आते हैं, यानी कि जो 17 के तो वो 18 के होते हैं, यानी कि वोटिंग एज में आ जाते हैं, उनके नाम इस वोटिंग लिस्ट में ऐड होते जाते हैं. नेम्स ऑफ दोज हु मूव्ड आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड. ऐसे लोग जो उस जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है, उनके नाम इस जो लिस्ट होती है इसमें से डिलीट कर दिए जाते हैं. अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 years. हर 5 साल बाद एक जो है रिवाइज लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, सारे नए लोगों के नाम ऐड किए जाते हैं, जिनके हटाने होते हैं उनके हटाए जाते हैं. हर 5 साल में इसको रिवाइज कर दिया जाता है. This is done to ensure that it remains up to date. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी लिस्ट है ये अप टू डेट रहे. In the last 5 years, a new system of election photo identity card EPIC has been introduced. पिछले कुछ सालों में एक नया सिस्टम जो कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का है वो इंट्रोड्यूस किया गया है. The government has tried to give this card to every person on the voters list. सरकार ये कोशिश करती है कि जितने भी नाम वोटर लिस्ट में हैं उन सभी पर्सन्स को ये फोटो आईडी कार्ड जो है, वोटर इलेक्शन का जो कार्ड है वो दिया जाए, जिसमें क्या होता है, इलेक्शन कार्ड होता है उसमें उस पर्सन की फोटो भी लगी होती है. द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट. वोटर्स को जो है ये कार्ड अपने साथ लेके जाना होता है जब भी वो वोट करने के लिए जाते हैं. आपको पता है ना वोटर्स कार्ड लेके जाते हैं, आपके पेरेंट्स जाते होंगे, आपके घर में जो भी एडल्ट है वो जाते होंगे, तो वो अपने साथ उस वोटिंग कार्ड को लेके जाते हैं जब भी वो वोट करने जाते हैं. सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई और उनकी जगह पे वोट ना कर सके, ठीक है. फोटो आइडेंटिटी कार्ड से वेरीफाई किया जाएगा ये वही पर्सन है, तो ये इंश्योर होता है कि किसी और की जगह पे कोई और वोट ना कर दे. बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग. हालांकि ये कार्ड अभी तक भी कंपल्सरी नहीं किया गया है वोट करने के लिए. फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस. अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए जो वोटर है वो और भी चीज़ें कुछ इस्तेमाल कर सकता है, अपना आधार कार्ड दिखा सकता है, वोटिंग लाइसेंस दिखा, वो राशन कार्ड दिखा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकता है. तो वोटिंग कार्ड जो है उसको कंपल्सरी नहीं बनाया गया है अभी तक. अब है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, किस तरीके से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं इन सब चीज़ों के लिए.
वी नोटेड अबाउट दैट एंड इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस. हमने अभी तक जो है नोट किया है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होता है, लोगों के पास एक रियल चॉइस होनी चाहिए. दिस हैपन्स ओनली वेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन. ये तभी हो सकता है जब लोगों के इलेक्शन लड़ने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी पर्सन जो है इलेक्शन लड़ सकता है. दिस इज वट आर सिस्टम प्रोवाइड्स. ऐसा ही चीज़ें जो है हमारा सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि आप वोट आप इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकते वो किसी भी इरेगुलर रीजन की वजह से. एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बी अ बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन. जो भी पर्सन वोट दे सकता है वो जो है कैंडिडेट भी बन सकता है, यानी कि अगर आप वोटर बनने के हकदार हैं तो आप कैंडिडेट बनने के भी लिए भी एलिजिबल हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 years. सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, वोटर बनने के लिए 18 साल, लेकिन कैंडिडेट बनने के लिए जो है 25 साल होनी चाहिए. वाइल इट इज ओनली 18 years फॉर अ बींग अ वोटर. वोटर के लिए सिर्फ 18 साल है, लेकिन कैंडिडेट बनने के लिए कम से कम आपको 25 साल का होना चाहिए. देर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा. कुछ अदर रिस्ट्रिक्शन जो अपराधी हैं उनके ऊपर भी लगाई गई हैं. बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेज. लेकिन ये भी जो कंडीशंस कैंडिडेट बनने पे जो क्रिमिनल्स पे कंडीशंस लगाई जाती है, ये भी बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में ही लगाई जाती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं, जो कि फिर पार्टी का सिंबल और सपोर्ट जिसको मिलता है, यानी कि पार्टी के निशान, चुनाव चिन्ह के निशान के साथ वो जो है अपना कैंपेन चलाता है, पार्टी उसको सपोर्ट करती है. ठीक है, आप जब वोट देने जाते हैं तो आप उसी पार्टी के निशान के ऊपर जो है वोट देते हैं उस पर्सन को. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. जो पार्टी नॉमिनेशन होता है उसको ज़्यादातर हम पार्टी का टिकट कहते हैं. ठीक है, जैसे मान लो किसी कैंडिडेट ने किसी पर्टिकुलर पार्टी से नॉमिनेट हुआ है वो, तो हम कहेंगे इसने इस पर्टिकुलर पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा है. ठीक है, एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म. हर एक पर्सन जो भी चुनाव में खड़ा होना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है. एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. और कुछ पैसे जमा कराने होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे. ठीक है, रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. अभी हाल ही के समय में एक जो है नया सिस्टम डिक्लेरेशन का सिस्टम, जहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे. एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग द फुल डिटेल्स ऑफ. हर एक कैंडिडेट को अपने बारे में जो है लीगल डिक्लेरेशन करनी होती है इन सारी चीज़ों के लिए. पहली चीज़ है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. जो भी सीरियस क्रिमिनल केसेस उस कैंडिडेट के खिलाफ पेंडिंग है उनकी डिटेल देनी होती है, डिक्लेरेशन देनी होती है. डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हिज फैमिली. जो भी उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी है, जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी लाइबिलिटीज हैं उसकी और उसकी फैमिली की, वो सबकी डिटेल देनी होती है. एडुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, कितना पढ़ा लिखा है, क्वालिफिकेशन क्या है उस कैंडिडेट की, ये सब भी हमें उस कैंडिडेट को जो है देनी होती है. ये नया आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, इसके अकॉर्डिंग ये सारी डिक्लेरेशन किसी भी कैंडिडेट को करनी कंपल्सरी है. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक. और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक होती है, लोगों को पता होती है. दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स. इससे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके जिसको वो वोट देना चाहते हैं. ठीक है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स. वाई इज देयर नो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इंपॉर्टेंट पोजिशन वेन सम काइंड ऑफ एडुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री. ये कहते हैं कि ऐसा क्यों है, जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हो तो कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई. ऐसा क्यों है, जबकि ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है. एडुकेशन क्वालिफिकेशंस आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब. एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है हर तरीके की जॉब के लिए रेलिवेंट नहीं होती है.
the relevant qualification for selection to the Indian cricket team or for example is not attainment of educational degree but the ability to play cricket well. जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताया है कि जैसे क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी बल्कि मायने क्या रखेगा कि आप कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो. तो कुछ ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है. सिमिलरली द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बींग एन MLA और MP इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न. इसी तरीके से MLA या MP बनने की क्वालिफिकेशन क्या है कि लोगों का जो कंसर्न है कि आप उनको भली भांति समझ पाते हैं या नहीं. प्रॉब्लम्स एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट कि आप लोगों के कंसर्न्स हैं लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से समझ पाते हैं नहीं और उनके जो इंटरेस्ट है उनको सरकार तक या मतलब रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये मेन क्वालिफिकेशन मानी जाती है किसी भी कैंडिडेट की ना कि उसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज एग्जामिन्ड बाय लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स. क्या वो ये करने के काबिल है या नहीं कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करने के काबिल है या नहीं वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं या नहीं ये लाखों द्वारा लोगों के द्वारा उनको एग्जामिन किया जाता है वोट देकर. ठीक है दे आर वोटर्स एवरी 5 ईयर हर 5 साल में वोटर्स जो है एग्जामिन करते हैं. ठीक है उनको वोट देकर या ना देकर. इवन इफ एडुकेशन वॉज रेलिवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इंपॉर्टेंस दे गिव टू एडुकेशनल क्वालिफिकेशन. हालांकि जो पढ़ाई लिखाई है एडुकेशन है शिक्षा है ये बहुत ही रेलिवेंट है लेकिन ये सब डिसीजन जो है लोगों पे छोड़ दिया गया है कि उनके लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कि कोई कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए ये लोगों पे छोड़ दिया गया है कि आप किसको इंपॉर्टेंस देते हैं और किसको नहीं. इन आर कंट्री पुटिंग एन एडुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर येट अनदर रीजन. हमारी कंट्री में अगर हम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया लागू कर देते हैं तो ये हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ जा सकता है. इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजोरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. इससे क्या होगा हम अपने बहुत सारे नागरिकों का इलेक्शन में जो है इलेक्शन लड़ने का अधिकार उनसे छीन लेंगे क्योंकि बहुत सारे आपको पता है लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं. इफ़ फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेजुएट डिग्री लाइक BA, BCom, BSc वॉज मेड कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट्स मोर देन 90% ऑफ द सिटीजन्स विल बिकम इनएलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन. अगर हम मान लो ग्रेजुएशन की एक डिग्री कंपल्सरी कर देते हैं कि जो भी कंटेस्ट करेगा कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए तो आप पाएंगे कि 90% जो लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कंटेस्ट कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है तो इससे क्या होगा 90% जनता जो है उनका अधिकार जो है हम उनसे छीन लेते हैं. ये देखो एक इलेक्टोरल रोल दिया गया है यहाँ पे मिजोरम का 2017 का. अब हम देख लेते हैं इलेक्शन कैंपेन. द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव. मेन पर्पस क्या होता है इलेक्शन का कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सके सरकार चलाने के लिए. द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर यानी कि वो सरकार और वो पॉलिसी जो वो प्रेफर करते हैं उनको चलाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें. देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव. इसके लिए जरूरी है कि एक ओपन और फ्री डिस्कशन हो कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जो है बेटर है. विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट कौन सी पार्टी जो है अच्छी सरकार बना सकती है और वट इज गुड अ गुड पॉलिसी या फिर कौन सी नीति जो है एक अच्छी नीति हो सकती है. This is what happens during election campaigns. यही सब चीज़ें होती हैं जब भी इलेक्शन कैंपेन होता है. ठीक है आपने देखा होगा जो बड़े बड़े नेता हैं वो क्या करते हैं अपने कैंपेनिंग करते हैं भाषण देते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे वो ज़्यादा बेटर है दूसरे कैंडिडेट से या उनकी पार्टी कैसे बेहतर है दूसरी पार्टी से. In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. हमारे देश में ऐसे कैंपेन्स जो हैं 2 हफ्ते के पीरियड के लिए चलाए जाते हैं. कब से कब तक जब हम अनाउंस करते हैं फर्स्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट सॉरी कैंडिडेट्स की जब फाइनल लिस्ट हम अनाउंस करते हैं और जो पोलिंग डेट होती है उसके बीच के जो 2 हफ्ते होते हैं उस समय में कैंपेनिंग की जाती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्ट्स. इस दौरान क्या करते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोटर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इलेक्शन मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करती है मतलब उन तक पहुँचती है उनको लोगों को बताती है कि आप हमें वोट दीजिए. दिस इज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यूज़ पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स. ये वही समय होता है जब जो हमारे टेलीविज़न चैनल होते हैं न्यूज़ चैनल होते हैं या न्यूज़ पेपर होते हैं वो इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी से भरे रहते हैं
बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दोज दीज टू वीक्स ओनली. लेकिन जो हमारा इलेक्शन कैंपेन होता है ये सिर्फ इन दो हफ्तों तक ही सीमित नहीं होता कि इन्हीं दो हफ्तों में ही हमारा इलेक्शन कैंपेन चलता है. पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक दल होते हैं, ये बहुत महीनों पहले से ही इलेक्शंस की तैयारियां शुरू कर देते हैं जब एक्चुअल इलेक्शन होना होता है, उससे कई महीनों पहले ही. इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशूज. जो ये इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो लोगों का ध्यान कुछ बड़े बड़े इश्यूज पे केंद्रित करना की कोशिश करती है. कुछ बड़े मुद्दों को उठाया जाता है जिस पे लोगों का फोकस किया जाता है. दे वांट टू अट्रैक्ट द पीपल टू दैट इशू. वो चाहते हैं कि लोग जो है उस पर्टिकुलर इशू के ओर अट्रैक्ट हुए एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस. और उसके बेसिस पे जो लोग हैं उनकी पार्टी को वोट करें. लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस. अब हम नज़र डालते हैं कुछ ऐसे सक्सेसफुल स्लोगन्स पे जिनको यूज़ करके बहुत से पॉलिटिकल पार्टी ने जो है इलेक्शन जीते. द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971. 1971 के लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा गांधी जिनका नेतृत्व कर रही थी उस समय, उन्होंने स्लोगन दिया था कि गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी. द पार्टी प्रोमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. इनकी पार्टी ने लोगों को प्रॉमिस किया था कि इनकी सरकार हर वो कदम उठाएगी जिससे देश से गरीबी को हटाया जा सके. सेव डेमोक्रेसी वर्सेस स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ हेल्ड इन 1977 में भी जो भारतीय जो जनता पार्टी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या होता था, जनता पार्टी होता था. तो उन्होंने जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सेव डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बचाओ का नारा दिया था. द पार्टी प्रॉमिस टू अनडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टीज. उन्होंने जो है लोगों को पार्टी उनकी पार्टी ने लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी इमरजेंसी के समय जो भी अनजस्ट किया गया था, एक्सेस कमिटिंग ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब जो भी जातियाँ की गई थी इमरजेंसी के टाइम पे उन सबको हटा दिया जाएगा और जो सिविल लिबर्टीज़ हैं यानी कि लोगों की जो आज़ादी है उसको जो है रीस्टोर कर दिया जाएगा, लोगों को वापस उनको दे दी जाएगी. ठीक है, इमरजेंसी के लिए क्या होता है, लोगों की बहुत सारी आज़ादी छिन जाती है तो लोगों को प्रॉमिस किया गया आपकी आज़ादी आपको लौटा दी जाएगी. ठीक है, द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टाइलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977. लेफ्ट फ्रंट था जो 1977 के बंगाल असेंबली इलेक्शंस में उन्होंने स्लोगन दिया था लैंड टू द टाइलर. मतलब टाइलर कौन होता है, जो खेत को जोतने वाला होता है, कि हम उसको खेत देंगे जो कि टाइलर है उसको जमीन दी जाएगी. प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, तेलुगुज की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना ये स्लोगन दिया था. यूज बाय एनटी रामाराव द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983 में इनकी पार्टी ने ये स्लोगन दिया था. ये कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स हैं जो लोगों ने दिए थे और जिनको इस्तेमाल करके वो जीते भी थे. ठीक है, तो यहाँ तक मार्क करेंगे, इससे आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.